हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो रिएक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त होने वाला है और पाकिस्तान की आवाम मार्केट में कुछ ढूंढ रही है। तो पहले हम लोग वीडियो को वॉच कर लेते हैं, इसके बाद करते बहुत सारी बातें। दुल्हन तो तुम मार्केट में इस तरह से दुल्हन ढूंढने के लिए? हाँ जी। तो मिली कोई? नहीं, एंजी तो मिलनी भी नहीं। फिर मैं उनको तस्वीरें उतरवाई है। हाँ जी। तो ऊपर लिख रहा था तलाश गुमशुदा, शायद कोई आ जाए। नहीं नहीं। अब क्या क्या पैगाम है? पाकिस्तान देख रहे हैं, दुल्हन लेके जानी है। दुल्हन लेके जानी है आज ही? आज ही। तो बस बेटा घर नहीं जाना। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। और कोई मैसेज? नहीं, ब्याह कराओ। ब्याह कराओ? नवाज शरीफ आ गया है। ठीक है, नवाज शरीफ आ गए। ठीक है, टिकटे दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बस हमारा अक्सर कंपैरिजन होता है कि भाई हमने खुद को ना इंडिया के साथ कंपेयर करना। हम कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पे हम अपने प्लेयर्स को जरा हाई लेवल पे जाते हैं। जैसे हमने एक बड़ा गलत कंपैरिजन आजकल स्टार्ट किया हुआ है, बाबर और विराट कोहली। इंडिया की बैटिंग एंड क्रिकेट लाइन के बारे में क्या कहें? नहीं नहीं, ये जो बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन है ये बिल्कुल रॉन्ग कंपैरिजन है, क्योंकि कोहली जो है वो एक प्लेयर है और बाबर आजम एक तकरीबन नॉर्मल प्लेयर है। बाबर आजम जैसे तो जोए रूट भी हैं और बाकी और भी कई प्लेयर्स हैं, लेकिन ये जो कोहली है इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो मैच को कोहली ने मेरे ख्याल में अपनी ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि नाकाबिले शिकस्त है। मैं खुद कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बाबर आजम खेलता ठीक है लेकिन अच्छा नहीं कर पाता, मैच विनिंग प्ले नहीं है, मतलब प्रेशर के अंदर नहीं खेल सकता बिल्कुल। और इन्होंने एक इंडिया से चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, उसके बाद पता नहीं क्या समझने लग गए हैं कि उसके ऊपर कितने तराने भी बना दिए। वो अब तराने समझने नजर लग गई है, पाकिस्तान तरानों को भी नजर लग, बिल्कुल ऐसे ही है, नजर लग गया। ये ना पाकिस्तान अब क्या बंदा बोलेगा ना, बढ़ गया पाकिस्तान की टीम ना, बढ़ गई है। आप ले नहीं रहे, अब इनको ना कहेंगे ना लूडो खेले, अब लूडो खेले, क्रिकेट छोड़ दे, लूडो खेलो बस। क्या पता लूडो में टीम वैसे भी ना डिजर्व ही नहीं करती कि वो वर्ल्ड कप, इससे अच्छा तो वेस्ट इंडीज खेल लेती। जैसे कि वो देखें T20 वर्ल्ड कप था, बेन स्टोक्स को उसने एक ओवर में 19 रन चाहिए था, उसने 4 के 4 पहले। ये गवार है ना, ये पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि हमें अब वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, हमें इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस नहीं देखनी है, वापस आ जाओ, हमें बस टीम में मेरिट चाहिए। हाँ। कि जो प्लेयर डिजर्व करते हैं ना टीम में बस वही हो। ये जैसे में चले जाते, क्या पता जन्नत में चले जाते ये लोग। वो तो कहते हैं जन्नत की, जन्नत में जन्नत की टिकट मिल जाती, ये वर्ल्ड कप नहीं मिलना इनको, क्या पता जन्नत की टिकट मिल जाती। एक प्रेडिक्शन आ रही है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया के होम ग्राउंड से कोई भी नहीं बाहर लेके जा सकता। ये इंडिया के पाकिस्तान, ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया नहीं जाने देगी। हाँ। कहीं भी नहीं जाने देगी। देखना आपने पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया एक मैच भी नहीं हारेगी। हाँ। अभी तक तो नहीं हारेगी, अगर हारेगी तो मतलब अपनी कोई साथी टीम को आगे लेकर आने के लिए हारेगी, वरना नहीं हार सकती। वो वैसे मुझे लगता है कि बैटिंग पिच है और उसके अलावा इंडिया के बैट्समैन परफॉर्म ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, के राहुल और विराट कोहली, ऊपर से हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हमारी टीम में नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना है, मैं आपसे बात करूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि हम कोई वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए खेलो भाई, अपने लिए खेल रहे हैं, इंडिया के लिए क्यों लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, टीम के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, बाबर किंग नहीं है, ये है वो है। अफगानिस्तान को बच्चे हैं, वो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके पास राशिद खान। तो हमारे वाले बच्चे हैं क्या? यही बात है, क्रिकेट बाय चांस है, लोग बातें करते हैं कि कितने चांस चाहिए, हर मैच हारते जा रहे हो, कितने इंडिया से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। मैं आपको बताऊं टीम की बैड लक चल रही है, जो लोग माइक थोड़ा पीछे कर, माइक पीछे ऐसे बातें कर रहे हैं, मतलब को बड़ा मार्का मार लिया उन्होंने अफगानिस्तान वाले नहीं हारते हमसे, वो नहीं हारते रहे मैच, इनिंग आए इधर खेल के गए पाकिस्तान में, वो हार के जाते रहे। तो ये वर्ल्ड कप है ना भैया, वर्ल्ड कप है, लोगों के चीज और वर्ल्ड कप में बड़ा फर्क होता है, फर्क मुझे फर्क नजर आ रहा है, इंशाल्लाह लोग देख रहे हैं। अगर बात सुन, अगर हम नहीं टीम को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सपोर्ट करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ये जीत लो हमारी, कौन सा सपोर्ट मांगे? नहीं नहीं, ये बात ही गलत है। एक आम मैच और वर्ल्ड कप के मैच में बड़ा फर्क होता है,
ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशन इनके साथ मतलब जुड़ी हुई होती हैं, लोग अपने कीमती वक्त में निकाल कर इनका मैच देखते हैं, शॉप्स पर टीवी चलाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं हमेशा की तरह मायूस। बस सिर्फ बात इतनी सी, अगर थोड़ा सा टारगेट आज ज्यादा हो जाता, 350 का हो जाता, तो इंशाल्लाह टीम अच्छा खेलती। आप बड़े सादो, आप अभी तक सो रहे हो, आप अभी तक कह रहे हो कि मोटिवेट करते रहो, ये तो भाई एंड लाइन है। 99% जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहेंगे? देखें कहना क्या है, अब हमारी मतलब कि हमारा जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो हर सोशल मीडिया के ऊपर एक शो चल रहा है, हमारे टिकटॉकर्स। फ्रेंड, हम लोगों ने वीडियो को देखा और इंजॉय भी किया। वीडियो काफ़ी लंबी है और इस वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे पूरी वीडियो देखना। वीडियो बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है। तो और वीडियो में क्या, लोग मार्केट में दुल्हन ढूंढ रहे हैं। अब साइला जी भी परेशान है, सोच रही हैं कि इनको दुल्हन कहाँ चलाएं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में एंट्री कर चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब ही ला के देंगे दुल्हन इस बंदे को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना आप लोग, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर दूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले रिएक्शन वीडियो में, उसमें करेंगे हम लोग बहुत सारी बातें। जब तक के लिए हम लोग बाय बाय कर लेते हैं।